आज हमने बनाया है कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे रेडी किया है, कैसे प्रिपेयर किया है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं। चलिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मेरी मम्मी ने बारीक बारीक प्याज, ये एक छोटा प्याज है जिसको चॉप कर लिया है मेरी मम्मी ने, इसी में ही लहसुन भी मिक्स कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटी छोटी हरी मिर्च, ये हम अपने जो पकोड़े बनाएंगे कड़ी पकोड़ा उसमें यूज करेंगे। यहाँ पे मेरी मम्मी ने लिया है दो हरी मिर्च, जो कि लंबे टुकड़े में ऐसे कट कर ली है, दो हरी मिर्ची ली है, और यहाँ पे दो हरी मिर्च ली है जो हमने बारीक छोटा कट कर लिया है, ये हमारे जाएगा कड़ी के तड़के में। ये एक छोटा टमाटर जो छोटा हमने कट कर लिया है, ये भी हमारी कड़ी के तड़के में जाएगा, और ये 4 से 5 कलियां लहसुन की, ये भी हमारी कड़ी के तड़के में जाएगा। ये प्याज मेरी मम्मी ने यहाँ पे लंबा काटा हुआ है, ये भी हमारे कड़ी के तड़के में जाएगा। बस ये जो बारीक कटा हुआ है ये हमारे कड़ी पकौड़े में जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि हमें कड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए। सो गाइस, कड़ी बनाने के लिए मेरी मम्मी ने यहाँ पे एक मीडियम साइज की कटोरी में दही लिया है, जो कि हम मिक्सर जार में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमने मिक्सर जार में अपना दही को डाल दिया है, इसी में मेरी मम्मी एक बड़ा चम्मच बेसन मिलाएंगी, थोड़ा सा और डाल देंगे, आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लेना है बेसन, कितने लोगों के लिए आपको बनाना है, कितनी क्वांटिटी में आपको कड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। टेबलस्पून यहाँ पे लिया है ऑयल, इसमें ही हम डाल देंगे मेथी के दाने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कड़ी में, मेन इंग्रेडिएंट है ये कड़ी का, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसे, इसको अच्छे से हम पका लेंगे। इसी में हम थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा ही ऐड करना है पकाते हुए, क्योंकि बाद में हमें तड़का भी लगाना है, तो तड़के के लिए भी हम प्याज को बचा लेंगे। अब इसी में हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी, इसी में हमने ऐड कर दिया अपना लस्सी जो हमने एकदम ग्राइंड कर लिया था अपने मिक्सर जार में, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे पकने के लिए स्लो फ्लेम पे। सो फ्रेंड्स, पकोड़े बनाने के लिए मेरी मम्मी ने एक बाउल में यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है कि आपको कितने पकोड़े बनाने हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, एक चौथाई चम्मच जीरा हम डाल देंगे इसमें, चुटकी भर हींग, अब हमने जो अपना प्याज चॉप किया हुआ था बारीक, अब हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, प्याज, हरी मिर्च और हमारा लहसुन जो कि बारीक कटा हुआ था। बहुत ही टेस्टी पकोड़े का स्वाद आता है जब इसमें हम बारीक लहसुन को ऐड कर देते हैं। अब हम पानी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक थिक सा बना लेंगे इसका घोल हम, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि ज्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि हमें इसके पकोड़े बनाने, ये आपको देख लेना है अपने अकॉर्डिंग कि कितना थिक रखना है पकोड़े के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर लाल मिर्च, स्पाइसनेस आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, आप कितना स्पाइसी खाते हैं। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, मेरी मम्मी तो जब भी बनाती है ना कड़ी पकोड़ा, तो मैं तो पकोड़े पहले ही खा लेती हूँ एक दो, तो कड़ी बनने से पहले, और कड़ी के साथ तो खाती हूँ, बहुत टेस्टी कड़ी बनाती है मेरी मम्मी, आप एक बार जरूर ट्राई करना अपने घर पे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पकोड़े का बेस एकदम रेडी है, ये देखिए ना तो ये ज्यादा थिक है और ना ही ये ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, इसको ऐसे ही आपको रखना है, क्योंकि इससे फिर हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एकदम शेप में बनते हैं। सो पकोड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में यहाँ पे तेल लिया है, जिससे इतना तेल लेना है कि जिसमें हमारा जो पकोड़ा है वो एकदम डीप फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से, और मैंने अपने तेल को एकदम हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लिया है इसको। अब हम इसमें डालेंगे अपना बेसन का बेस जो हमने बना के रखा हुआ था अपने पकोड़े बनाने के लिए,
जब आप ऑयल में अपने पकोड़े डाल रहे होंगे तब आपको अपना जो फ्लेम है वो लो पे कर लेना है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से क्रिस्पी अच्छे से अंदर तक पक जाएं, जल ना जाएं या कच्चे ना रह जाएं। फ्लेम आपको लो रखना है। सो फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े एकदम रेडी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने मस्त बने ये फूले हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार करते हैं। सो कढ़ी के तड़के के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, दो बड़ी साबुत लाल मिर्च। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, करीब आधा छोटा चम्मच। डाल देंगे थोड़ी सी राई, हींग डाल देंगे चटकी भर। लहसुन जो हमने काटा हुआ था, यहाँ पे डाल देंगे हमारा प्याज। हरी मिर्च ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। ऐड कर देंगे अपना टमाटर। अब इसको अच्छे से हमको पका लेना है जब तक हमारा टमाटर एकदम भून नहीं जाता मसालों के साथ। अब जैसे कि हमने अपनी कढ़ी जो रखी थी उसमें हमने नमक नहीं मिलाया था, तो हम अब तड़के में नमक मिलाएंगे। नमक आपको स्वाद अनुसार रखना है। नमक हमेशा जब आप टमाटर ऐड कर देते हैं मसाले में तभी मिलाएं, क्योंकि जो हमारा टमाटर है ना, जो इतना कच्चा होता है वो एकदम अच्छे से घुल जाता है नमक डालने से। आप एक बार ट्राई करना अपने घर पे। अब इसको हमें लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से पकाना है जब तक हम अपना कढ़ी को देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ी, इसको अच्छे से हमने हर दो दो मिनट में चलाया है, इसको चलाते रहना है। अभी ये अच्छे से पकी नहीं है। सो गाइस, जब हमारी कढ़ी अच्छे से पक जाती है तो इसमें से हमारा जो कच्चापन होता है ना बेसन का, उसकी स्मेल नहीं आती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आपको आती है इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कढ़ी का तड़का है वो एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अपनी कढ़ी में। सो फ्रेंड्स, हमने अपना जो मसाला है वो सारा इसमें मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से मिला दिया है। अब बस इसको हमें दो मिनट तक और पकाना है लो फ्लेम पे ही, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। गाइस, जब तक ये हमारा दो मिनट तक पक रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पकोड़े। ताकि ये कढ़ी के अंदर जाके एकदम सॉफ्ट हो जाएं और खाने में एकदम बहुत ही टेस्टी लगे। अब इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसको पकने देंगे एटलीस्ट दो मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सो गाइस, जब तक हमारा कढ़ी रेडी हो रहा है तब तक मेरी मम्मी की किचन नुस्खा बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रोटी का पोना है जिसको रोल करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर मेरी मम्मी ने रोल करके रखा हुआ है हरा धनिया, जो मेरी मम्मी अभी खोल के दिखा देती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, एकदम फ्रेश लग रहा है, जैसे कि अभी हम मार्केट से लाए हैं। पर ये हम अभी मार्केट से नहीं लाए हैं, इसको हो गए हैं 4 से 5 दिन। आप कभी भी इसको, धनिये को, पुदीने को कभी भी बाहर से लेके आए तो आपको अपना धनिया लेके आएंगे, आपको एक गीला कपड़ा करना है, उसमें अपने धनिया को एकदम अच्छे से रैप कर देना है। रैप करके फिर इसको फ्रिज में रख देना है। तो जब भी आपको इसको यूज करना हो, आप फ्रिज में से निकालिए और ऐसे ही ये फ्रेश फ्रेश आपको लगेगा, फ्रेश फ्रेश यूज कर लीजिए और फिर से इसको रैप करके रख दीजिए। और जब आप इसको यूज कर लें तो आपको बार बार गीला कपड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही सूखे कपड़े में एकदम अच्छे से रैप करके आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं और एकदम ग्रीन और फ्रेश ये आपको लगेगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस कढ़ी तड़का एकदम रेडी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए।